नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फाइन। दिस योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न स्लीपिंग लाइन एंड दिस इज द पार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। लेट स्टार्ट। आज का हमारा विषय है इंग्लिश। अभी हम सीखने जा रहे हैं स्लीपिंग लाइन, जो कि अलग अलग प्रकार की लाइनों में से एक लाइन है। अब हम शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, पिक्चर के द्वारा मैं फिर से आपको स्लीपिंग लाइन सिखाऊंगी। लेफ्ट साइड में पूरे कलरफुल बलून है और राइट साइड में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है। तो देखो, मैं रेड बलून को एप्पल के साथ ऐसे मैच करूंगी तो अपने आप ही स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। फिर दूसरा है ऑरेंज बलून और उसके सामने है कैरेट। तो ऑरेंज को कैरेट के साथ जॉइंट करूँगी तो अपने आप ही स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। फिर तीसरा है येलो बलून। येलो बलून को बनाना के साथ मैच करूँगी तो अपने आप ही स्लीपिंग लाइन हो जाएंगी। फिर है ग्रीन कलर का बलून। ग्रीन कलर के बलून को ककुम्बर के साथ ऐसे जॉइंट करूँगी तो अपने आप ही स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। फिर लास्ट में है पर्पल कलर का बलून। पर्पल कलर के बलून को ब्रिंजल के साथ मैच करूँगी तो अपने आप ही स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। यहाँ पे मैं फिर से आपको ट्रेस करना सिखाऊंगी स्लीपिंग लाइन। तो देखो, पहले बिल्ली है। बिल्ली के सामने क्या है? चूहा। बिल्ली चूहे को पकड़ने जाएगी तो वो दौड़ के जाएगी तो अपने आप ही वहाँ पे ऐसे स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। फिर है डोंकी। डोंकी के सामने क्या है? बैलगाड़ी है जो पूरी भरी हुई है। वो उसके पास जाएगा तो वहाँ पे अपने आप ही स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। फिर है खरगोश। खरगोश को क्या कहते हैं? रैबिट। रैबिट अपना खाना खाने के लिए सामने क्या रखा हुआ है? गाजर। गाजर यानी कि कैरेट। कैरेट खाने के लिए जाएगा तो वहाँ पे अपने आप ही स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। फिर लास्ट में क्या है? सीप। सीप अपना खाना खाने के लिए सामने जाएगा। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे है ग्रास। वो खाना खाने के लिए जाएगा तो अपने आप ही हो जाएगी स्लीपिंग लाइन। देखो स्टूडेंट, दूसरे पिक्चर की स्लाइड के द्वारा मैं आपको फिर से स्लीपिंग लाइन ट्रेस करना सिखाऊंगी। तो देखो, पहले है स्टूडेंट। स्टूडेंट कहाँ पे जाता है? स्कूल पे। तो स्कूल पर पैदल चल के जाएगा तो अपने आप ही देखो ये स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। फिर है पुलिसमैन। पुलिसमैन कहाँ जाता है? पुलिसमैन पुलिस स्टेशन जाता है ना, तो वो पैदल चल के अपने पुलिस स्टेशन जाएगा तो वह अपने आप ही वहाँ पे स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। फिर आएगा फायर ब्रिगेड मैन। फायर ब्रिगेड मैन अपने ऑफिस जाएगा तो वो पैदल चलकर अपने ऑफिस जाएगा तो वहाँ पे अपने आप ही ऐसे स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। फिर है लास्ट में डॉक्टर। डॉक्टर कहाँ पे जाता है आपको पता है? डॉक्टर अस्पताल जाता है। तो डॉक्टर अस्पताल पैदल चलकर जाएगा तो वहाँ पे अपने आप ही स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। आज हम सीखने वाले हैं स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में आज क्लास वर्क में हम पेज नंबर 3 ट्रेस एंड कंप्लीट द पैटर्न्स। यहाँ पे देखो, स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की हुई, कैसे आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। यहाँ 4 लाइन की बुक है। यहाँ पे पहले देखो, ट्रेस किया हुआ है आपको। स्मॉल स्मॉल डॉट्स है, उसको आपको ट्रेस करना है। कैसे ट्रेस करना है मेरे साथ आप लोग भी करेंगे क्लास वर्क में। देखो, पेंसिल को इस तरह से आपको ट्रेस करना है। यहाँ पे ऊपर ऊपर ही आपको ट्रेस करना है। इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ ट्रेस कैसे करना है। फिर आप अपने आप को घर पे ही आपको करना है ऐसे ही ट्रेस। देखो, पूरा कंप्लीट करके मैं आपको ट्रेस करना सिखाऊंगी। देखो, ये अब हमारा ट्रेस कंप्लीट होने जा रहा है। बस अब लास्ट में देखो, ये हमारा ट्रेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो, 2 डॉट्स बनाए गए हुए हैं, पहला डॉट और ये दूसरा डॉट। तो आपको ये 2 डॉट्स को ज्वाइंट करना है। पहले डॉट्स को दूसरे डॉट्स के साथ ऐसे ज्वाइंट करना है। तो ये देखो, हमारी हो गई स्लीपिंग लाइन। फिर नीचे ही दूसरी जो ब्लू लाइन है उसमें भी 2 डॉट्स किए गए हैं। पहले डॉट से दूसरे डॉट्स को ज्वाइंट करके इस तरह से हमारी स्लीपिंग लाइन कंप्लीट करनी है। फिर देखो, दूसरी ब्लू लाइन में फिर से 2 डॉट्स बनाए हुए हो गए।
आपको उसको भी ज्वाइंट करना है। इस तरह से जहाँ जहाँ डॉट्स है उसको आपको ज्वाइंट करना है। देखो मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। देखो दो डॉट्स को ऐसे ज्वाइंट करना है, पूरा कंप्लीट करना है ऐसे पेंसिल से। देखो ये हुआ, यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी दो डॉट्स को ज्वाइंट करना है ऐसे, यहाँ पे भी दो डॉट्स को ज्वाइंट करके स्लिपिंग लाइन बनानी है। आज हम क्या सीख रहे हैं? स्लिपिंग लाइन। देखो यहाँ पे अब डॉट्स नहीं है, अब अपने आप ही आपको करना है स्लिपिंग लाइन कैसे बनाए। तो देखो इस तरह से आपको स्लिपिंग लाइन बनानी है। देखो इस तरह से हुआ ना, देखो ये हमारी हो गई स्लिपिंग लाइन। आपको पहले नहीं आएगा, फिर बाद में धीरे धीरे आ जाएगा। आपको ऐसे ही करना है स्लिपिंग लाइन। देखो यहाँ पे ये हमारा क्लास वर्क है, क्लास वर्क में पूरा पेज आपको करना है इस तरह से स्लिपिंग लाइन। देखो यहाँ पे स्लिपिंग लाइन अभी कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये पेज स्लिपिंग लाइन। पहले रेड लाइन में, फिर ब्लू लाइन में, फिर से ब्लू लाइन में, रेड लाइन में, ब्लू लाइन में स्लिपिंग लाइन, फिर से ब्लू लाइन में, पहले रेड लाइन में, ब्लू लाइन में, फिर से ब्लू लाइन में, यहाँ पे रेड लाइन, फिर ब्लू लाइन, फिर ब्लू लाइन, पहले रेड, फिर ब्लू लाइन में, फिर ब्लू लाइन में, यहाँ पे भी ऐसे करना है आपको, और लास्ट में हमारी स्लिपिंग लाइन कंप्लीट होगी। तो ये हो गया हमारा क्लास वर्क। अब यहाँ पे देखो हमारा होमवर्क है, होमवर्क में भी आपको ऐसे ही स्लिपिंग लाइन कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखो पहले दो डॉट से उसको आपको ऐसे ज्वाइंट करना है इस तरह से, दो डॉट को आपको ज्वाइंट करके बनानी है स्लिपिंग लाइन इस तरह से। देखो यहाँ पे, यहाँ पहले डॉट से दूसरे डॉट को ज्वाइंट करके बनानी है स्लिपिंग लाइन इस तरह से। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारी स्लिपिंग लाइन कंप्लीट कर दी। फिर आपको यहाँ पे डॉट नहीं बनाए हुए होंगे, अपने आप ही स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। आपको स्लिपिंग लाइन आ जाएगी, फिर पहले के वीडियो में आपने स्टैंडिंग लाइन सीखी थी वो आ जाएगी, तो ही आपको अल्फ़ाबेट आएंगे ना। तो आपको स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन सब कुछ सीखना है। ये हमें होमवर्क में भी ऐसे ही करना है। देखो इस तरह से स्लिपिंग लाइन कंप्लीट करनी है, पहले रेड लाइन में, फिर ब्लू लाइन में, फिर ब्लू लाइन में, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन में स्लिपिंग लाइन, फिर ब्लू लाइन में, फिर ब्लू लाइन में। इस तरह से पूरा पेज हमको होमवर्क का भी कंप्लीट करना है। क्लास वर्क का तो करना ही है, पर होमवर्क का भी कंप्लीट करना है इस तरह से। देखो स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, रेड लाइन में, ब्लू लाइन में, ब्लू लाइन में, रेड लाइन में, ब्लू लाइन में, ब्लू लाइन में। देखो हमारा अभी होमवर्क भी कंप्लीट होने जा रहा है। देखो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। देखो इस तरह से रेड लाइन में, फिर ब्लू लाइन में, फिर ब्लू लाइन में। देखो यहाँ पे रेड लाइन है, रेड लाइन में, फिर ब्लू लाइन में, फिर से ब्लू लाइन में। देखो इस तरह से रेड लाइन, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन। इस तरह से आपको घर पे भी करना है। रेड लाइन, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन में स्लिपिंग लाइन, ब्लू लाइन में स्लिपिंग लाइन, ब्लू लाइन में स्लिपिंग लाइन, फिर से रेड लाइन में स्लिपिंग लाइन, ब्लू लाइन में स्लिपिंग लाइन, ब्लू लाइन में स्लिपिंग लाइन। इस तरह से आपको पूरा पेज कंप्लीटली करना ही है। देखो इस तरह से, देखो ये हमारा हो गया होमवर्क का पेज कंप्लीट। आपको घर पे भी ऐसा ही करना है। और क्लास वर्क में मैंने जैसे सिखाया है ना, पहले ट्रेस, फिर डॉट्स को जॉइंट करके, फिर अपने आप को बना है, इस तरह से क्लास वर्क में पेज नंबर 3 भी कंप्लीट करना है और होमवर्क में पेज नंबर 4 भी कंप्लीट करना है। सीखने के लिए आपको स्लिपिंग लाइन आना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा घर पे रहकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आपको अल्फाबेट ए बना के स्लिपिंग लाइन की कैसे उपयोग होता है वो मैं आपको सिखाऊंगी। देखो यहाँ पे एक माचिस की तीली यहाँ पे रखी है मैंने, दोनों तरफ दो माचिस की तीली नीचे की तरफ रखूंगी और एक ऐसे बीच में रखूंगी। अब आप देखो
ये क्या हुआ? दिखाई दिया आपको? ये क्या बना हुआ है? ए, देखो यहाँ पे ए के बीच में जो मैंने माचिस की तीली रखी है वो कौन सी लाइन है? स्लिपिंग लाइन है ना। तो देखो हुआ ना, अल्फाबेट बनाने के लिए स्लिपिंग लाइन आनी बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग घर पे रह के प्रैक्टिस करोगे ना, तो चलो चलो। तो मैंने आज होमवर्क में भी आपको स्लिपिंग लाइन कैसे बनानी है वो सिखाया, और क्लास वर्क में स्लिपिंग लाइन कैसे बनानी है वो भी सिखाया। तो वो आज आपको घर पर करने पूरा कंप्लीट करना है स्लिपिंग लाइन को, तो उसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।